दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉन्सिल जो है उसे संबंधित कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं उनका ही समाधान करेंगे। तो टॉन्सिल क्या होता है? टॉन्सिल अंडाकार आकार के दो अंग होते हैं जो लिम्फ टिश्यू के बने होते हैं और ये गले के अंदर पिछले भाग में मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को गले और शरीर में जाने से रोकते हैं, मतलब एक तरह से ये बीमारियों से बचाव करते हैं। टॉन्सिल में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो टॉन्सिल में ज़्यादातर सूजन आ जा सकती है जिसके कारण से तेज दर्द होता है और जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिल की समस्या किसे ज़्यादा होती है, किस उम्र में हो सकती है? तो टॉन्सिल की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह 5 से 15 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा होती है। बच्चों में टॉन्सिल की समस्या ज़्यादा क्यों होती है? बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तथा वो बाहर की चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं जिसके कारण से उनको संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। टॉन्सिल में सूजन किन कारणों से होती है? तो टॉन्सिल में सूजन ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण से होती है या संक्रमण के कारण से होती है। ज़्यादातर संक्रमण एक बैक्टीरिया होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है, उसके कारण से होती है। इसके अलावा ये एलर्जी, ठंडा गर्म खाना, उसके कारण से भी हो सकती है। टॉन्सिल बढ़ने से क्या दिक्कत होती है? तो टॉन्सिल के बढ़ने के कारण से गले में बहुत तेज दर्द होता है, निगलने में कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खर्राटे आ सकते हैं, सांसों में बदबू हो सकती है या गले के पास के लिम्फ नोड जो है उसमें सूजन आ सकती है। यदि बच्चों में टॉन्सिल बढ़ जाए तो क्या करें? टॉन्सिल यदि बढ़ जाते हैं तो बच्चों को बहुत सारा पानी पिलाना है, नमक के पानी के गरारे कराना है दिन में 3 से 4 बार, दूध के अंदर हल्दी डालकर पिला सकते हैं हम, अदरक जो है उसको पानी में उबाल कर भी पिला सकते हैं। टॉन्सिल कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं? तो आमतौर पर टॉन्सिल जो है इसको ठीक होने में 1 हफ्ते या 7 से 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो और भी अधिक समय लग सकता है। टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? टॉन्सिल जो है उसके ऑपरेशन को टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है, जिसकी आवश्यकता यदि बार बार टॉन्सिल में सूजन हो रहा है, 1 साल में 8 बार या उससे ज़्यादा, या 3 माह या उससे ज़्यादा दिन तक सूजन रहती है, टॉन्सिल में मवाद या फोड़ा बन रहा है, या टॉन्सिल का आकार इतना बड़ा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। टॉन्सिल जो है उसमें बच्चों को क्या नहीं खिलाए? तो टॉन्सिल की कंडीशन में बच्चों को अचार, टमाटर सॉस, तला चिपचिपा खाना, खट्टे फल जैसे संतरा, ऑरेंज, पाइनएप्पल, आम, मसालेदार खाना, कड़ा भोजन जैसे चिप्स, नट्स, कुरकुरे, समोसा, कचौरी आदि का सेवन नहीं करना है। टॉन्सिल में बच्चे को क्या खिलाना है? तो टॉन्सिल अगर हो गया है तो बच्चे को आपको गर्म चावल खिलाने हैं, उबली हुई पालक खिलानी है, उबले हुए आलू खिलाने हैं, प्लेन पास्ता खिलाना है, सादी इडली, उबला अंडा, शहद, गाजर का जूस और बीट का जूस, ये आपको बच्चों को खिलाना है। टॉन्सिल के कारण से क्या गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? यदि टॉन्सिल का समय पर इलाज नहीं कराया जाता है तो उसके कारण से कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है, जैसे कान में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। टॉन्सिल के कारण से लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। टॉन्सिल के कारण से एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्रेन की समस्या हो सकती है, मेनिनजाइटिस भी हो सकता है। अगर टॉन्सिल का समय पर इलाज कराना आवश्यक है। थैंक यू।